हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अख्तर सर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन जेंडर एंड नाउन नंबर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं नाउन जेंडर। जेंडर फोर टाइप्स के होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। आज आपका हर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा जो कन्फ्यूजन जेंडर या फिर नंबर से रिलेटेड है। ठीक, काफ़ी स्टूडेंट्स इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि उनके सामने अगर नाउन रखा जाता है, उनसे पूछा जाए कि इसका जेंडर क्या है, तो वो बता नहीं पाते हैं। तो वन बाय वन करते हैं इसको डिस्कस। नंबर वन, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या है? मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स मेल सेक्स। सिंपल शब्दों में समझते हैं, मैस्कुलिन जेंडर वो जेंडर होता है जिसके अंदर हम मेल की बात करते हैं, यानी ऐसे वर्ड जो मेल के नेचर को बताएं उन्हें मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। इनके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फादर, टाइगर, लॉयन, पावर, टाइम, वॉयलेंस, समर, ब्रदर, सन एटसेट्रा। अब डिस्कस करते हैं नंबर दो पर, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर डिनोट्स फीमेल सेक्स। सिंपल शब्दों में इसको भी समझते हैं, ऐसे नाउन जो फीमेल के नेचर को रिप्रेजेंट करें वो सारे नाउन जो हैं फेमिनिन जेंडर में जाते हैं, उन्हें हम फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। ठीक, इसके कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मदर, वुमन, लॉयनेस, टाइग्रेस, सिस्टर, पीस, नेचर, अर्थ एटसेट्रा। अभी हमने डिस्कस किए कुछ वर्ड, ये सारे वर्ड क्या हैं? फीमेल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल से रिलेटेड हैं, तो ये सारे वर्ड जाएंगे आपके फेमिनिन जेंडर में। तो क्लियर हो रहा है? एक बार थोड़ा सा उसको फिर देख लें, मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर में। जैसे हमने वर्ड बोला ब्रदर, तो ये मैस्कुलिन जेंडर है। सिस्टर क्या है? फेमिनिन जेंडर। फादर मैस्कुलिन जेंडर एंड मदर फेमिनिन जेंडर। तो थोड़ा समझना आसान है। एंड नंबर थ्री, दैट इज कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। एक्चुअल में कॉमन जेंडर नाउन वो नाउन होता है जो दोनों के लिए यूज होता है, जैसे कि इसका नाम ही है कॉमन। ऐसा नाउन होता है हम उसको मैस्कुलिन के लिए भी यूज करते हैं, हम उसको फेमिनिन के लिए भी यूज करते हैं। ठीक, आइए इसके कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, टीचर, सर्वेंट, फ्रेंड, स्टूडेंट, कजिन, नेबर एटसेट्रा। ये सारे के सारे वर्ड जाते हैं कॉमन जेंडर में। ठीक, अब डिस्कस करते हैं नंबर फोर पर, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में एक्चुअल में हम जेंडर की बात नहीं करते हैं, जहां पर जेंडर नहीं होता है वहां हम उस वर्ड को न्यूट्रल कैटेगरी में रखते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, बुक, रूम, पेपर, टेलीविजन, नोटबुक, पेन एटसेट्रा। यानी इसमें हम थिंग्स की बात करते हैं, चीजों की बात करते हैं जहां पर मैस्कुलिन और फेमिनिन का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। यानी हम जब नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो वहां पर जेंडर नहीं आता है, और जहां पर जेंडर की बात नहीं है उसी को बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर। अब ये फोर टाइप्स के जेंडर जानने के बाद हम इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल, कुछ वर्ड लेते हैं किस तरीके से वो मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर बनते हैं। कॉमन आप समझ गए, कॉमन जेंडर वो होता है, कॉमन जेंडर नाउन वो होता है जो दोनों के लिए यूज किया जाता है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए भी और फेमिनिन जेंडर के लिए। जहां पर जेंडर की बात नहीं होती है वो होता है आपका न्यूट्रल जेंडर। तो अब डिस्कस करते हैं कुछ और वर्ड और उनको समझते हैं मैस्कुलिन जेंडर को। ये आपको याद रखना है, जब भी आप इंग्लिश में कहीं पर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, तो आपको ये दिमाग में रखना होगा कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका जेंडर बन रहा है मैस्कुलिन और फेमिनिन। आइए इन शब्दों को देखते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे जेंडर नाउन जिसमें एन ई
डबल एस यानी नेस लगाकर उन्हें फेमिन बनाया जाता है। तो ये रहा एग्जांपल। अब हम कुछ ऐसे वर्ड डिस्कस करते हैं जो कंपाउंड है, यानी सिंगल वर्ड नहीं है, दो या तीन वर्ड मिलाकर कंपाउंड नाउन बनाया गया है। ठीक, उसमें भी जेंडर की बात करते हैं तो वो कंपाउंड जेंडर नाउन होते हैं। इनके एग्जांपल को समझते हैं। तो ये कुछ वर्ड रहे जो हमने डिस्कस किए हैं जेंडर से रिलेटेड। जैसे कि आप जानते ही हैं, ये सीरीज चल रही है बेसिक इंग्लिश ग्रामर, तो यहाँ पर इस सीरीज में इंग्लिश को एक बेसिक तौर पर डिस्कस किया जा रहा है।